कौन कहता है कि आप अच्छे नहीं हो या आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपके अंदर सारी प्रवृत्ति है एक अच्छा व्यक्ति बनने की, एक अच्छा काम करने की और एक अच्छा सोच रखने की। लेकिन आपने ही अपने जीवन को इतना घृणित कर लिया है उन वस्तुओं से, उन चीज़ों को देख के जो आपके मन पे एक ऐसी परत चढ़ा चुके हैं जो केवल और केवल आपकी अच्छाई को नीचे दबाए बैठे हैं। आपने खुद ही अपने जीवन को दूषित कर लिया है उन उजूल फुजूल की चीज़ों से और उन उजूल फुजूल की बातों से जो आपके जीवन में दूर दूर तक कहीं भी सरोकार नहीं रखते हैं। वो सारी उजूल फुजूल की चीजें और बातें आपके मस्तिष्क में इतना बैठ गई है, आपके सोच विचार में इतना बैठ गई है कि आपकी अच्छाइयाँ अब आपको ही नज़र नहीं आने दे रही है। इसने आपके वास्तविक स्वरूप को आपके अंदर ही भुला दिया है। आप अगर खुद के अंदर टटोल के देखेंगे, कभी खुद का मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन उजूल फुजूल की चीज़ों में आप फंसे पड़े हैं, जो इच्छाएं आप पाले बैठे हैं, उसका क्या कहीं आपके वास्तविक जीवन से कोई रिश्ता नाता है। आप सामर्थ्य हैं हर चीज को करने में, लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा है। जो मन के अंदर गाद बैठ चुका है, जम चुका है, जब तक आप उसे साफ नहीं कीजिएगा, अपने सोच विचार को सीमित नहीं कीजिएगा, इस सांसारिक दुनिया में जो गंदगी आपके सामने परोसी जा रही है उससे जब तक किनारा नहीं कीजिएगा, तब तक आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी आत्मविश्वास अपने अंदर जगा लें, आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा। सीमित सोच, सीमित विचारधारा और अपने लक्ष्य पे निगाह, फुल फोकस, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जब आप अपने अंदर वो आत्मविश्वास जगाइएगा, जब इस दुनिया के उजूल फुजूल की चीज़ों से दूर होइएगा, अपना एक आंकलन कीजिएगा कि भाई मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तब ही आप जान पाइएगा कि आपको अपने जीवन को किस ओर लेके जाना है। क्या उसे गड्ढे में गिराना है या सफलता की चोटियों पे लेके जाना है। जो व्यक्ति निरंतर अपने जीवन का मूल्यांकन करते रहते हैं, अपने दोष और गुण का जिन्हें बोध होता है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में गिरते नहीं हैं, और अगर गिरते भी हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीख के ही उबरते हैं। तो अगर आप अपने जीवन को एक दिशा और गति देना चाहते हैं तो सीखिए कैसे आपके अंदर जो दोष और गुण है उसका मूल्यांकन करें। सीखिए कैसे कि इस वासना भरी संसार से मोह माया तोड़ा जाए। ये प्रक्रिया आपको निरंतर करते रहना होगा, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही आप अपने अंदर की गंदगी को साफ कर सकते हैं या उन सब चीजों से बच सकते हैं जो आपकी जिंदगी को भटकाने का काम करते हैं। और जिस दिन मूल तौर पे आपको अपने वास्तविक कर्म का बोध हो जाएगा, आपके अंदर वो ज्ञान उतर जाएगा, उस दिन कभी भी आपके जीवन में कोई भटकाव नहीं आएगा। आप अपने आप को हर एक परिस्थिति में खुशहाल पाएंगे।